एक बात बताओ, वो लड़की आए ना आए, काम करे ना करे, ये तुम क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हो और क्यों बार बार पूछ रहे हो उस लड़की के बारे में? ओह आई सी, अब पता चला मुझे कि तुम क्यों पूछ रहे हो। क्यों? इसलिए कि जिस लड़की को तुम मेरे ऑफिस लेकर आए थे ताकि मैं तुमसे उसके बारे में सवाल ना करूं कि वो कौन लड़की थी। वो जूबी थी। कौन जूबी? जूबी जूबी तो मुझसे मिलाया क्यों नहीं तुमने? मैं इसीलिए उसे लेकर आया था, मैंने सोचा वो आपको सब कुछ सच बताएगी, मेरा इमेज क्लियर हो जाएगा। लेकिन लेकिन क्या, बात तो करवानी चाहिए थी ना तुम्हें। आप परेशान ना हो, मैं फिर आपकी बात करवा दूंगा। तुम तो इतना इजी ले रहे हो जैसे ये कोई बात ही नहीं है। अगर आपके भाई के घर की बात ना होती तो वाकई मेरे लिए ये कोई बात नहीं थी। क्या कहा? साफ साफ कहो कि क्या बात है, क्यों लाए थे उस लड़की को और बिना बात किए क्यों ले गए उसे वापस? अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात करवा दूंगा, बल्कि उसको आपके सामने पेश कर दूंगा। सिर्फ मेरे सामने नहीं, बल्कि तुम उसे भाईजन के यहाँ लेकर जाओगे और हारून भाई से स्पेशली उसकी बात कराओगे। अरे हमारी इज्जत दांव पे लगी हुई है और तुम इतना ईजी पोज कर रहे हो कि जैसे कोई मसला ही नहीं है। और सुनो, तुम जानते हो ना, भाईजान और भाभी मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, और तो और एनी ने भी मुझसे बात करना छोड़ दी है। और ये जो सब कुछ हुआ ना, ये तुम्हारी वजह से हुआ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब जितनी जल्दी हो सके इस मामले को सॉर्ट आउट कर लो, समझ गए तुम? कर लूंगा मैं, अब काम खत्म करें। कर लूंगी। आई नो माई जॉब वेरी वेल।